দীপৰ বিলত আহিলে ট্ৰেইন দেখা পালে ভাল লাগে। আমি আহি আহি तो गुड इवनिंग गाइस, और आज है संडे और संडे राइड हम ना जाए ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। वेलकम टू आवर चैनल असम बाइकर्स 01। तो हम जा रहे हैं संडुबी लेक की तरफ, तो वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए क्या क्या दिखा सकता हूँ और क्या क्या बता सकता हूँ। तो वीडियो में बने रहिए। तो हम आते आते हम बालाजी पहुँच गए और बालाजी से हम लेंगे सीधा गौरसुख होके हम जाएंगे संडुबी लेक पे। तो गाइस, गुवाहाटी में बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, इसीलिए हम बहुत ही देर से निकला। अभी तो 4:30 बजने वाले हैं, तो ऐसा टाइम में निकलने से मतलब बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि धूप भी ज़्यादा नहीं पड़ता और गर्मी भी ज़्यादा नहीं लगता। तो हम पहुँच चुके हैं तिपर बिल के ट्रेन लाइन के पास में, और यहाँ पे लगता है ट्रेन आ रहा है, इसीलिए बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है। দীপৰ বিলত আহিলে ট্ৰেইন দেখা পালে ভাল লাগে। चलते चलते हमको कुछ फ्रेंड मिल गए, जो है मेरा घर का पास का ही लौंडा, और वो भी शायद संडे राइड में गया था, तो उसको भी हम दीपर बिल में मिल गया। तो आगे अब किसको देखते हैं क्या नहीं है, सब देखते रहिए, वीडियो में बने रहिए। तो रास्ते में चलते चलते हमको बहुत सारा गाय मिल गया, जो कि रास्ते में खड़ी थी और बहुत ही डेंजरस टाइप की थी, क्योंकि अगर बाइक लग जाता तो बहुत इंजरी होता हमको भी और उसको भी। हेलो सर। तो हम पहुंचते पहुंचते हमको दो रास्ता मिल गया, जो एक तो है मेघालय की तरफ और एक है संडुबी लेक की तरफ। तो हम चल पड़े संडुबी लेक की तरफ। तो हमको जाते जाते तो रात होने वाला है, तो देखते हैं कितना आगे तक जा सकते हैं, और जहाँ पे भी अंधेरा होगा हम वहाँ से रिटर्न हो जाएंगे। तो लगभग यहाँ से संडुबी लेक 10 किलोमीटर से, तो देखते हैं कि कितना रात होता है और कहाँ से हम रिटर्न होते हैं। तो हम अभी जंगल के बीचों बीच चल रहे हैं, दोनों साइड में जंगल है और बीच से रास्ता है, तो हम सोच रहे हैं कि हम यहीं से रिटर्न लेंगे, क्योंकि आगे जाना कोई खतरे से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हाथी निकलता है तो थोड़ा रिस्क हो सकता है। तो हम यहीं से रिटर्न लेंगे और वीडियो यहीं पर ख़त्म करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलें, और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, क्योंकि मेरा ये सेकेंड व्लॉग है। तो आगे तक देखते रहिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या ला सकता हूँ और कितना क्या देखा सकता हूँ, तो सब कुछ देखते रहिए और घंटा बटन को दबा दीजिए।